करी है और जो कमियाँ हैं उसको अभी पूरा किया जा रहा है। और जो कंप्लेंट्स भी आएंगे भी उसके लिए भी एक सिस्टम सेटअप किया जा रहा है कि कंप्लेंट्स को भी हम लोग देखेंगे और वी विल मेक श्योर कि वो जो कमियाँ हैं उनको पूरा किया जाए और यदि किसी की लापरवाही है तो उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाए। पेशेंट या उनके साथ जो अटेंडेंट हैं उनकी भी जो शिकायतें हैं उनको अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है और अगर किसी की भी कहीं भी लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, नर्सिंग स्टाफ का है, ऑक्सीजन के बारे में है या मेडिसिन के बारे में है या पूरा सिस्टम जो कि टेस्टिंग से लेकर बाकी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के बारे में, उसके बारे में बहुत से कदम उठाए गए हैं और जो कमियां अभी भी जो अभिभावक उनके साथ जो अटेंडेंट हैं या जो पेशेंट को अभी भी हो रही है उसी लिए हम लोग आए हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन कमियों को भी दूर किया जाए। भंडारा सर, जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी यहाँ पर एक आपसे शख्स बात भी कर रहे थे जिनकी डेथ हुई है, मैंने भी उनसे बात की, वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को किस तरह से टॉप अप कर रहे हैं क्योंकि मेजर इस टाइम प्रॉब्लम ऑक्सीजन की डेथ है। देखिए, जो उन्होंने शिकायत करी है वो आपसे भी उन्होंने बात करी, उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन 10 मिनट के लिए डिप हो गई है तो हम उसकी पूरी अभी जाँच करा रहे हैं और उसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक इंजीनियर की 24 घंटे ड्यूटी लगाई हुई है शिफ्ट में जो ऑक्सीजन प्लांट देखता है, सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी भी है। अब इस बात की जांच की जाएगी कि क्या कारण है, वहाँ पे क्यों डिप किया और किसकी लापरवाही। उसके बाद उनका ये कहना था कि जब वो डिप हुआ तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया और एक कोई इंजेक्शन लगाया लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, जिसके लिए हम सबको बहुत दुख है। किसी का भी जो दिवंगत है उनके जाने की आपूर्ति तो कोई भी नहीं कर सकता और उस बात का हमें बहुत दुख है, लेकिन इतना मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूँ कि इसमें किसी की भी गलती है उसको जो है वो कठोरतम सजा दी जाएगी और इसके अतिरिक्त जो कमियाँ हैं उसको दूर किया जाए। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में अभी क्या कैसी फैसिलिटीज है, ठीक फैसिलिटीज? देखिए, आप देख रहे हैं आप खुद ही राउंड ले रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, आपने देखा कि इमरजेंसी पूरी भरी हुई है, जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको अटेंड किया जा रहा है, सामने टेस्टिंग का भी अब इमरजेंसी में कर दिया गया है क्योंकि कोविड का समय है। तो सर, अगर सब कुछ अवेलेबल है फिर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज नारायणा हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, वीवीआईपीज क्यों नारायणा, वो यहाँ पर नहीं आ सकते? ऐसा है कि हेल्थ केयर का जो सिस्टम है, हमको बात करनी है कि हमको अपना हेल्थ केयर सिस्टम को कितना अच्छा करना है, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य यह है कि जो हमारे पास हजारों पेशेंट आ रहे हैं, यही नहीं आ रहा है, हमारे पीएचसी से लेकर सीएचसी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे मेडिकल कॉलेज, सब जगह हजारों पेशेंट्स आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उनको हेल्थ केयर सिस्टम ही डील कर रहा है और हमको करना है और हमको सुनिश्चित करना है। मेरा सवाल कुछ और है कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का इलाज नारायणा में क्यों होता है, क्या वो जीएमसी में नहीं हो सकता, क्या वीवीआईपीज का इलाज नारायणा में होगा, आम आदमी जो गरीब आदमी है वो जीएमसी में ही आएगा? देखिए, मैंने आपको एक स्पष्ट कर दिया ना कि 99% का इलाज तो यही होना है, इसी व्यवस्था को हमको ठीक करना है। मैंने आपको स्पष्ट जवाब तो दे दिया और आप क्या उत्तर चाहते हैं इसके? 99% पेशेंट तो हम ही डील कर रहे हैं जेएनके में और हम ही करेंगे, हमारी जिम्मेदारी और हम उसको अच्छे से करेंगे। आप आज यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर जो ट्रॉलीज आप देख रहे हैं ना, इनके ऊपर आज सफेद चादर देखने को मिल रही है। जब आप या फिर कोई मेन एडवाइजर यहाँ विजिट नहीं होती तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, इस तरह का वो दुखड़ा आपके आने पर यहाँ पर सब चीजें देखने को मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके लिए सुपरविजन के लिए अलग से व्यवस्थाएं कराई है, अलग से कंट्रोल रूम बनाया है। मैंने खुद पिछले 3 दिन में कम से कम रोज 15-20 पेशेंट से, उनके अटेंडेंट से मैंने खुद बात की है जो एडमिटेड है, और 80% सेटिस्फेक्शन बताया है। जो प्रॉब्लम्स आ रही है हमने अलग से कंट्रोल रूम बना दिया, तो जो समस्याएं उनको अटेंड किया जा रहा है। ये इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये पैंडेमिक का टाइम है, ये एक इमरजेंसी का टाइम है, इस समय सर्ज ऑफ केसेज आए, आप खुद ही जानते हैं कि करीब 15,000 केसेज हमारे पास पिछले 20 दिनों में आ गए, तो उनको डील करने के लिए जो कैपेसिटी बढ़ाने की बात है वो सब करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि आपका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम काम कर रहा है, आपने देखा डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पूरा स्टाफ यहाँ काम कर रहा है,
तो ऐसा नहीं है कि 99% मरीज को जो हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम देख रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें अच्छे लोग भी हैं, उसमें जो है वो कॉम्पिटेंट लोग भी हैं, और ऐसा नहीं है कि कमिटेड लोग भी नहीं हैं, सभी हैं। लेकिन हाँ, कुछ कमियां हैं, वो मैंने आपको बताया, और हम लोगों का सबका प्रयास है कि जो ये अभी इतनी केसेज एकदम से बढ़े हैं, जो हॉस्पिटल पर लोड बढ़ा है, उसमें हमें सबसे अच्छी व्यवस्था करनी है। इसका कोई विकल्प नहीं है। तो उसके बाद उसको होश आई है, अभी ट्रीटमेंट सही ढंग से।